जिया बकरा। मैं हूँ राबिया अनम। सबसे पहले जियो हेडलाइन। हमारी पूरी वीर मशहूर स्काउट की टीम यहाँ पर आ गई है, बहुत सी मुश्किलों का सामना कर करके। यहाँ पर ठीक से चलना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्योंकि हम स्काउट हैं। ये पधारिए टप्पू के पापा जी, आइए पधारिए। अरे सॉरी, तुम लोगों तो यहाँ पर। अच्छा, तो एक्चुअली बात ये थी कि गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारा जो है वो आज कैंपिंग है, यानी कि कैंप में हम जाएंगे, कैंपिंग वगैरह करेंगे यहाँ पर स्काउट की ड्रेसिंग में। और गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि अभी सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्काई ब्लू कलर का मेरे पास ब्रश है, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। वैसे मेरी बच्ची का फेवरेट कलर है यार। अगर तुम लोगों के लहजे में बोलूँ, और अगर मैं अपने लहजे में बोलूँ, तो यार ये मेरी महबूबा का फेवरेट कलर है। गुड मॉर्निंग इसीलिए क्योंकि सुबह हो चुकी है, ठीक है। और अभी हम लोग आए हुए हैं मामा दादा पर। सुबह को जो है वो इनका दीदार, यानी कि इनका दर्शन करने का काफ़ी अलग ही मज़ा था। फेस वॉश करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या नाश्ते की सेटिंग है। तो फिर जब नाश्ते की सेटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो फिर ऑब्वियसली हम खुद भी तो अच्छे हैं, हर चीज़ तो डेफिनेटली अच्छी हो ही जाएगी। इंग्लिश को ज़्यादा नहीं बोल रहा सुबह के टाइम में, वेल शायद इसलिए। सो ट्राई करते हैं, देन देखते हैं उसके बाद फिर क्या होता है क्या नहीं। अब फिर कैंपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे होगी कैसे नहीं होगी, बिकॉज आई डोंट नो कि हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, क्या नहीं करने वाले। ये जो मैंने टी शर्ट रखी हुई है इसलिए रखी हुई है क्योंकि मैं जो है वो ज़्यादातर टॉवल यूज़ नहीं करता। तो मिलते हैं फिर। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने अपना फेस वॉश वगैरह कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर सन इतनी खूबसूरत आ रही है ना, सिर्फ और सिर्फ यार कितने बजे तक आएगी आप लोगों को बताएं। ये तकरीबन मैक्सिमम 8 बजे तक ना यहाँ पर आप लोगों को मज़ा आएगा, बोले यार सूरज मज़ा दे रहा है। और उसके बाद मतलब सूरज सजा ही सजा दे रहा होता है। तो फेस वॉश कर लिया है, नाश्ते की सूरत हाल कुछ यूँ है भाई, पापे टिंडे भिंडी है नाश्ते में। वेल भिंडी तो मेरे ख्याल से होगी नहीं, लेकिन अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं यार। तो फाइनली हमारी जो स्काउट की ड्रेसिंग ये रही, ठीक है। और ये हमारा अभी हम जो है ना, हम तो पेज अपना कंप्लीट करेंगे और ड्रेसिंग करेंगे कि स्काउट की, और फिर देखते हैं उसमें कैसे लगते हैं कैसे नहीं। हेलो, ये लेना चाय? चाय यार, चाय यार। अरे मैं वीरेन हूँ, ये हमारे साहब बेटे में अंधे साहब, ये हमारे अंधे साहब है, देखो का मिलकर ज्यादा साफ है। फाइनली हम लोगों ने जो ड्रेसिंग वगैरह कर लिए यानी कि स्काउट के यूनिफॉर्म में हम लोग आ गए हैं। और अब जो है वो ब्रेकफास्ट की तैयारी है, और ब्रेकफास्ट की ओर चलते हैं। और आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खाना खाता हूं, तो यार क्यों ना आप लोग भी मेरे साथ मज़ा करो। जिन जिन्होंने नाश्ता नहीं किया वो अभी आके नाश्ता कर ले। भाई तो वैंस कैसी लग रही है मेरी? रैपर ब्रो, रैपर व्हाट्सअप। ये पधारिए टप्पू के पापा जी, आइए पधारिए। यहाँ पर हमारी सारी स्काउट बैठी हुई है, ये देखें, ये हमारे नादान परिंदे हैं, ये हमारे पोयों वाले, ये हमें बाकियों का तो मैं नहीं बता सकता। यहाँ पर नाश्ते की सूरत हाल कुछ ऐसी है, पापे भिंडी है, आलू पालक है, गोभी है। तो ये आप सबका चेहरा भी देख लें, क्या पता अगले साल इनसे मुलाकात हो ना हो। ये हमारे चंदन भाई है, जो कि श्री स्वामी नारायण मंदिर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। ये हमारे सनी भाई हैं, सनी भाई ये हमारे सनी भाई है। ये आपका नाम क्या था? ये दीपक है। सनी भाई आप हो यार, मैं इनको सनी भाई समझ रहा था, लेकिन प्रोफाइल तो आपने सनी की इसकी रखी हुई है। ये हमारे सर है, बिल्कुल मॉडल की तरह, लुकिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वंडरफुल ब्रो वंडरफुल, दिस मैन इज़ ग्रेट मैन। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, जो कि बाबा चाय चाय लस्सी है कौन है आ? अंदर कितो अच्छे तो सोड़ो सोड़ो लगे हैं। तो बाबा सर माते हैं देख के गुस्से, आपने हमें इतना अच्छा नाश्ता वगैरह करवाया, हमें चाय नहीं वाली, हमें ये नहीं है, चाय वाली चाय वाली चाय वाली। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, गरम है। अरे भाई
दूसरा भैया अनम सबसे पहले जियो हेडलाइन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मौलाना अख्तर जमील, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। अभी जो है हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, ठीक है। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है वो अभी हम लोग यहाँ पर असेंबली करेंगे। कुछ लड़के खड़े हुए हैं यहाँ पर, चिकने चमेले लड़के खड़े हुए हैं। वहाँ असेंबली नहीं होगी, जहाँ पे पहले हुई थी वही होगी। इससे पहले हुई थी, उन्होंने शायद क्लिप नहीं बनाई और मेरे फोन का इशू था इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो असेंबली यहाँ पर होगी। आप देख सकते हो पाकिस्तान का झंडा भी, पाकिस्तान का झंडा जो है वो यहाँ पर इन लोगों ने लहराना शुरू कर दिया हुआ है। क्यों लोग आए हैं? श्री मामई देव पाकिस्तान जापान हुआ नहीं, इकबाल जशाही नहीं हूँ। खुला झंडा खुला ले, क्योंकि हम आज़ाद हैं। हाँ, क्योंकि हम आज़ाद हैं इसलिए। और आज जो है वो ये दूसरा व्लॉग है, क्योंकि कल पहला व्लॉग था और वो कल पोस्ट होगा और जो है वो आज पोस्ट ऑफिस में पोस्ट होगा। तो आप कहना चाहेंगे कि जो असेंबली होती है वो होती क्या है वैसे? असेंबली किस चीज़ की है, क्या कहलाया जाता है सर? कुछ बता सकते हैं चंद अल्फाजों में, बयां कर सकते हैं आप? कट कर दो। कट कर दो। क्यों कट कर दो यार? देखो असेंबली ये होती है कि हम खड़े रह के यहाँ पर कौमी तराना पड़ेंगे ना यार, ठीक है। कौमी तराना मेन जो हिस्सों है आँखें में लगे दो यार। काड़ो ले, ये कारो थी बिंदु से, काड़ी में काड़ो ने ना भी मैच दिए तो ना काड़ो ने तो तीन ने कारो। अभी जो है मैंने ये सोचा है कि क्यों ना यार थंबनेल के लिए यहाँ से ही पिक्चर क्लिक कर लूँ मैं। तो अभी उन लोंडों को मैं बोलूँगा, उन लड़कों को मैं बोलूँगा कि यार, तो यार पाकिस्तान जिंदाबाद, फाइनली असेंबली की तैयारी हो गई है और कुछ लड़के जो हैं वो हमारे स्काउट के सामने खड़े हुए हैं। सर अशोक कुमार है, उसके साथ साथ जो है वो उसकी पूरी टीम खड़ी हुई है, स्काउट की वीर मशहूर स्काउट की पूरी टीम खड़ी हुई है। और अब जो है हम लोग असेंबली करने वाले हैं और अब देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और ये सारे हमारे भाई खड़े हुए हैं। आसान पक होशियार, पाक सरजमीन शाहबाद, ईश्वरे अजीम शाहबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े अकीम शाहबाद, वते अकूवते अवाम, ओमल सल्तनत पाइंदादा जिंदाबाद, शाहबाद मंज़िले मुराद। To do my duties. To religion in Pakistan. And to help others. Dado. Yeah, Dado. ये हमारे महामई देव। डाडो डाडो हमारे पूरी नाथ, हमारी पूरी माहेश्वरी कम्युनिटी को सुख शांति अता फरमा, हम सब गरीबों का भला कर। मड़ा कटियाँ तो हूँ व्लॉगिंग में, मड़ा करियाँ तो महतर टू थ्री यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अभी हम लोग जा रहे हैं हाइकिंग के लिए और अब हाइकिंग पर देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं, ठीक है। और देखो सीन कुछ यूँ है कि बताता हूँ, हाइक पे जाने के लिए तैयार? दादो दादो ये दादो चले भैया, ये
और आसपास भी लगा दिया, धूप ना लगे, सनटेन ना लगे, और व्लॉग व्लॉग भी चल रहा है, व्लॉग के अंदर व्लॉग, दो दो व्लॉग, एक एक व्लॉग। और ऐसा सफर शुरू हो चुका है, 10 किलोमीटर आना और 10 किलोमीटर जाना, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, कानोना का हाइकिंग रही है। तो अब जो है वो सफ़र काफ़ी डिफिकल्ट है, 10 किलोमीटर क्योंकि हमें आना है, हम 10 किलोमीटर चलते ही नहीं हैं और आज हम 10 किलोमीटर चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि हम एक स्काउट हैं और स्काउट का काम होता है कि अपने काम एक को होता है स्काउट, एक होता है वॉलेंटियर, एक होती है ट्रेन स्काउट। हम बाय द वे ट्रेन स्काउट तो नहीं है, मतलब अब ट्रेन हम स्काउट हो जाएंगे इस बैच के बाद। हाँ, हम तो मैच जब हमारा कंप्लीट होगा तब। और हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग, संख्या लोगों की काफ़ी ज़्यादा है, हमने स्काउट ज्वाइन की हुई है। पसंद है ना? कौन सा सलन? बस समझ जाओ ना। हाँ, मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। किससे? मेरी इकलौती। हमारी पोती से? मेरी इकलौती। कब हुई? मेरी इकलौती महबूबा से। अब सर कहाँ से सफर है? सफर शुरू होगा VMS लाडो डाडो। और आज हम लोग जो है वो हाइकिंग करके यहाँ पर, हाइकिंग का मतलब ये होता है कि मतलब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हम लोग जो है वो पैदल चल चल के जो है वो अपना सफ़र तय करते हैं। और अब जो है वो माई मकली पर पहुँच चुके हैं और उसके बाद कुछ लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। सफ़र बहुत ज़्यादा कठिन है, रास्ते में बहुत सी मुश्किल आने वाली है और हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। बाय द वे मास्क वगैरह इसलिए पहना क्योंकि यहाँ पर देखो सन बहुत ज़्यादा है और मैं अगर काला हो जाऊँगा तो लाला बन जाऊँगा। थैंक यू। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, देख रहे हो हाइकिंग के दौरान जो है वो डंडे लोगों को लग रहे हैं, और उसी के साथ कांटे हमारी पूरी वीर मशवे स्काउट की टीम यहाँ पर आ गई है, बहुत सी मुश्किलों का सामना कर करके। यहाँ पर ठीक से चलना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्योंकि हम स्काउट हैं और स्काउट का सारा काम होता है कि तो हमारे ट्रेनिंग है, यही तो हम ट्रेन स्काउट बनेंगे, ऐसे ही थोड़ी रास्ता अपना खुद बनाना। सही सर, ये हम रास्ता बनाएंगे। आप अपनी स्टिक का इस्तेमाल करें, तो फला फला मस्जिद में फला कर आप जरा बोले। रात एक जरूरी ऐलान सुनिए, 1000 का नोट जिसके दाएं जानिब एक छोटा सा लाल कलर से आई लव यू लिखा हुआ था जो मेरे बर्थडे पे मेरी माशूका ने मुझे दिए थे कि इसे खर्च नहीं करना, वो खो गया है। गाइस फाइनली हम लोगों ने अपनी जो है वो हाइकिंग अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और मतलब इतना लंबा चलने के बाद आना जाना जाते रहना मतलब तकरीबन 10 किलोमीटर के दरमियान हम लोग जो है वो रास्ते में हम लोगों ने सफ़र तय किया और उस दौरान जो है वो बहुत सारी मुश्किलें कठिन पेश आई जिसका हम लोगों ने सामना किया। बहुत बास तौर पर तो हम लोगों को ऐसा भी लगा कि यार ये इम्पॉसिबल है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट हम लोगों ने नेवर गिव अप किया यार, ट्राई किया, कोशिश की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ठीक है, उसी तरह अभी जो है वो सर्टिफिकेट दी जाएंगी हमें, कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट दी जाएगी, मुझे सर्टिफिकेट दी जाएगी, बिकॉज हम लोगों ने जो है अपना हमदम बैच कंप्लीट कर लिया और उसके बाद जो है हमें सर्टिफिकेट दी जाएगी। तो देखते हैं कि सर्टिफिकेट किस तरीके से दी जाती है और क्या होता है वहाँ पर क्या नहीं। सो वही अच्छा, तो अभी जो है वो हमदम बैच की यहाँ पर सर्टिफिकेट सभी लोगों को दी जा रही है जो कि महेश्वरी वीर महेश्वरी स्काउट से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं सभी लोगों को, सभी भाइयों को जो है वो वीर महेश्वरी स्काउट की जानिब से सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमदम बैच कंप्लीट करने की वजह से, ठीक है। तो अब जो है वो मुझे भी बुलाया जाएगा, मुझे भी सर्टिफिकेट मिलेगी और तुम लोग देखना कि किस तरीके से सर्टिफिकेट मिलती। यहाँ पर सभी को सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। तो गाइस फाइनली मुझे जो है वो हमदम बैच ट्रेनिंग की जो है वो सर्टिफिकेट मिल चुकी है और अभी जो है मैं बुलाने जा रहा हूँ प्रीत बगड़ा को जो कि इस शो के विजेता हैं और इन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छा बर्ताव किया हमारे साथ और इन्होंने जो है वो काफ़ी हौसला अफजाई किया हमारे साथ और हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो के दौरान। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चलूँ कि ये मेरी आखिरी वीडियो है, आज के बाद मैं वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं यूट्यूब से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, हंसते रहें और सावधान रहें। आखिर क्यों मुकेश खैर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय द वे सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो नहीं करना, क्या बोले। और ये मतलब सर्टिफिकेट जो मिली है ना मुझे, इसका रीज़न
कौन है ये मैं तुम्हें बता दूँ कौन है, सिर्फ लड़कों को बता रहा हूँ कि ना मतलब ये जो मुझे आज जो मेरे हाथ में सर्टिफिकेट है ना, यानी कि जो मुझे मेरे पास सर्टिफिकेट है जो मुझे मिली है, ये किसके कारण मिली है, किसके कारण मीन्स कि किस वजह से मुझे मिली है ये जो है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि अगर देखो एक इंसान किसी महबूबा से प्यार करता है ना तो वो उसकी महबूबा के लिए जा रहा होता है कि मैं मेहनत करूँगा तो मतलब उसके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा एहसास नाम की कुछ चीज़ पैदा होगी, अगर फिर भी नहीं हो रही तो वो कोशिश करता है यार कि कुछ ना कुछ तो हो, हम हैं कि नहीं, हम जिए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे, देखते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और अपने अपने साथ जो है जो भी करने करते रहें। Thank you.